फटाक यानी 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से इस समय पूरी दुनिया में हालत खराब है। वेस्टर्न कंट्रीज से लेकर इंडिया में भी अब स्थिति नाजुक होती जा रही है। अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लॉकडाउन कर्फ्यू से लेकर, जो अपने हिसाब से राज्यों के हित में बन रहा है वो उस पर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति काफ़ी ख़राब है। ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के नंबर्स तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और जो लोगों के जहन में सवाल आ रहा है सबसे ज़्यादा, जिस पर लोग सर्च कर रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, तो गूगल में जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं सवाल, उसमें एक ये सवाल है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट, यानी कि कोविड के इस सिम्टम, ओमिक्रॉन सिम्टम के मुख्य लक्षण क्या हैं, ऐसे क्या लक्षण हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ओमिक्रॉन हमें हुआ है या होने की आशंका है। इस पर हम आपको सारे सवालों के जवाब देंगे, आपको समझाएंगे कि ये पहले वाले जो सिम्टम्स हैं, पहले जो वेरिएंट हुए हैं, उससे कैसे अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, कैसे अलग लक्षण हैं, या उस जैसे भी हैं तो आप कैसे पहचान कर रहे हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पहले जो लक्षण सामने आया था उसमें एक बड़ा कॉमन लक्षण था, एक काफ़ी ज़्यादा जिस पर चर्चा होती थी, वो थी कि स्मेल चले जाना, किसी भी तरह की सुगंध या दुर्गंध नहीं आती थी। अब तक जो कोरोना होता था उसमें व्यक्ति इस बात की काफ़ी चर्चा करता था कि स्मेल चली गई या आ रही है, उससे क्लैरिफाई करता था या क्लासिफाइड करता था कि कोविड है या नहीं है, उस हिसाब से टेस्ट कराता था। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे और भी सिम्टम्स हुआ करते थे, जैसे कि बुखार, खांसी, बदन दर्द, सिर में दर्द और फटीग, थकान होना, ये काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स थे जो कोरोना में होते थे। अब भी जो ये सिम्टम्स हैं ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हो रहे हैं, यानी कि बुखार आना, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द, सिर में दर्द, ये हो रहे हैं। लेकिन ये सब हल्के हैं, माइल्ड हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि थकान बहुत है, फटीग बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ ओमिक्रॉन के ज़्यादातर मरीज जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, करीब करीब 80-90% लोगों में एसिम्प्टोमेटिक लक्षण देखे जा रहे हैं, लेकिन लगातार नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर ने दावा किया है कि उबकाई आना, उल्टी जैसा फील होना या भूख ना लगना, ये भी कोरोना के नए सिम्टम्स में हैं। इसके बाद किंग्स कॉलेज लंदन और हेल्थ कंपनी की एक स्टडी में ये भी सामने आया कि शरीर पर अलग अलग तरह के रैशेस हो जाते हैं, तो वो कोरोना के लक्षणों में शामिल किया जा रहा है। अलग अलग तरह के रैशेस की बात करूं तो शरीर पर लाल चकत्ते, घमोरी, चिकन पॉक्स जैसे दाने और हल्की सूजन के साथ होने वाले रैशेस जो हैं, जो कई बार चले भी जाते हैं और कई बार हफ्ते 10 दिन के लिए बने भी रहते हैं, उनको माना जा रहा है कि वो कोरोना के नए लक्षण हो सकते हैं। एक लक्षण का दावा और किया जा रहा है जिसको एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये भी कोरोना का लक्षण हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर रनिंग नोज, यानी कि नाक बह रही है, सर्दी के दौरान काफ़ी बार ऐसा होता है कि मौसम बदलने के साथ, इम्यूनिटी कमज़ोर होने के साथ सर्दी जुकाम हो जाता है, लेकिन जब नाक बहती है, नाक से पानी निकलता है, तो उसको कोरोना के लक्षणों में शामिल किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना हुआ हो। एक्सपर्ट्स इस बात की चर्चा लगातार कर रहे हैं कि नाक बहना, छींक आना और गले में खराश, इसकी वजह से जो मामले दर्ज हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। मतलब कि ऐसे लोग जिनको ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके गले में खराश रही, नाक बह रही है या फिर छींक आ रही हैं, वो सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो इसलिए ये दावा किया जा रहा है कि मोटे तौर पर जो लक्षण हैं वो पुराने लक्षण हैं लेकिन वो माइल्ड हैं, और सबसे ज़्यादा जो लक्षण की चर्चा की जा रही है उसमें ये है कि फटीग, यानी कि थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके साथ साथ जो और दूसरे कारण बताए गए हैं जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना होने की बात है, उसमें मांसपेशियों में दर्द, यानी कि मसल्स पेन, और लोअर बैक पेन, यानी कि शरीर में पीठ के नीचे वाले हिस्से में जो दर्द होता है उसको माना जा रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स ने रात को बहुत ज़्यादा पसीना आने को भी कोरोना के नए लक्षणों में शामिल किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हो सकता है कि आपको ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना हुआ हो। अगर आपको इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं अपने शरीर के अंदर, तो हम आपसे कहते हैं कि आप ज़रूर इस पर ध्यान दें, आइसोलेट कर लें और फिर अपनी जाँच करवा लें, टेस्ट करवा लें, और उसके हिसाब से फिर अपना जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएँ। इसके अलावा जो दुनिया भर के साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि
कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, चाहे डेल्टा हो, चाहे ओमिक्रॉन हो, उसको हराने के लिए, उसको थामने के लिए, उसको रोकने के लिए अगर हमारे पास कोई एक अकेला टूल है, हथियार है, साधन है, तो वो है वैक्सीनेशन। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अब तक वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लें, और अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज जरूर लें, और सबसे बड़ी बात फॉलोअप्स को अपनाना बिल्कुल ना भूलें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें।